हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का मेरा लेक्चर AL 303 सब्जेक्ट कोड की यूनिट 2 से रिलेटेड है, जिसमें हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल मैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसमिटेड इज डिजिटल इन नेचर। मींस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन सिग्नल के मैसेज ट्रांसमिट किए जाते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है? डिजिटल। एनालॉग कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो कंटिन्यूस वे में ट्रांसमिट किया जाता है, और वैसे भी मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स जो नेचर में अवेलेबल होते हैं वो एनालॉग होते हैं नेचर में। तो अगर हमें डिजिटल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन करना है, डिजिटली सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो कंटिन्यूस सिग्नल है इन्हें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद हम इनको जो डिजिटली ट्रांसमिट करते हैं उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम? डिजिटल कम्युनिकेशन। इट इज़ द कम्युनिकेशन इन विच एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेंड डिजिटली। तो इसमें इंफॉर्मेशन किस टाइप से सेंड की जाती है? डिजिटली। और डिजिटली इंफॉर्मेशन को सेंड करना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, कंपेयर टू कंटिन्यूस ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिंग इट्स डिजिटल इक्विवेलेंट्स विल प्रोवाइड वेरी मच ऑफ नॉइस फ्री इन्वायरमेंट। मीन्स जो कंटिन्यूस सिग्नल का हम डायरेक्टली चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम उस कंटिन्यूस सिग्नल के डिजिटल इक्विवेलेंट्स को ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे ज़्यादा नॉइस फ्री इन्वायरमेंट मिलता है। मीन्स डिजिटल सिग्नल के ट्रांसमिशन में नॉइस को एलिमिनेट करना ईजी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से सेंडर साइड या ट्रांसमिशन साइड में इंफॉर्मेशन सिग्नल को एफिशिएंट वे में ट्रांसमिट किया जाता है, साथ ही रिसीवर साइड में सिग्नल को एक मोर एक्यूरेट वे में रिसीव किया जाता है डेस्टिनेशन पे। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन साइड या सेंडर साइड में स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो ब्लॉक है वो है इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स इंफॉर्मेशन सिग्नल जनरेट करता है। मींस ये जो इंफॉर्मेशन जो इसके द्वारा मिलती है वो एनालॉग या डिजिटल कुछ भी हो सकती है। तो अगर इंफॉर्मेशन एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग है मींस वॉइस सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, तो सबसे पहले तो हम इस एनालॉग सिग्नल को जो कि अपनी फिजिकल फॉर्म में है, इसे ट्रांसड्यूसर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। तो ये जो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, इसे हमें डिजिटल सिग्नल में चेंज करना है। उसके लिए सेकंड ब्लॉक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से जो एनालॉग सिग्नल है उसे हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल मिलेगा, जो डिजिटल सिंबल सीक्वेंस हमें मिली है, ये किस किन किन प्रोसेस की हेल्प से मिली है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के कन्वर्शन के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं? सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। इन तीन प्रोसेस की हेल्प से एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? डिजिटल सिग्नल में। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के आउटपुट में अब हमें क्या मिला है? डिजिटल सिंबल सीक्वेंस। तो यहाँ और इसे हम किसके इनपुट में देते हैं? सोर्स एनकोडर के इनपुट में, जो कि हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है। तो सोर्स एनकोडर क्या करता है, ये जो इसके इनपुट में सिंबल सीक्वेंस आई है डिजिटल फॉर्म में, इसे बाइनरी सीक्वेंस में चेंज करता है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि ये जो हमारे पास इसके इनपुट में जो भी इंफॉर्मेशन आई है डिजिटल फॉर्म में, इसमें कुछ ऐसी बिट्स भी होती हैं जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मीन्स इसमें कुछ रिडंडेंट बिट्स होती हैं जिनमें लेस इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसी बिट्स के साथ अगर हम इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये हमारे चैनल की बैंडविड्थ को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर हमें चैनल बैंडविड्थ का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, तो इसके लिए हम इन रिडंडेंट बिट्स को रिमूव कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। इस टाइप से जो सोर्स एनकोडर है वो किसका काम कर रहा है? डाटा कंप्रेशन का। मीन्स ये सिंबल सीक्वेंस को मिनिमम नंबर ऑफ बाइनरी सिक्वेंस में चेंज कर देता है। अब ये जो डाटा कंप्रेशन का काम इसके द्वारा किया जा रहा है, ये भी दो टाइप से हो सकता है, लॉसलेस
डाटा कंप्रेशन एनकोडिंग और लॉसी डाटा कंप्रेशन एनकोडिंग। लॉसलेस में तो जो ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है इससे डाटा को रिसीवर पे रिकवर कर लिया जाता है, बट जो लॉसी डाटा कंप्रेशन एनकोडिंग है इसमें जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उससे डाटा को रिकवर नहीं किया जा सकता। तो इसके आउटपुट में जो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स के साथ बाइनरी सिक्वेंस आई है उसे हम फिर देते हैं चैनल एनकोडर, जो कि नेक्स्ट ब्लॉक है इसके इनपुट में। चैनल एनकोडर यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है इसकी नॉइस के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, मीन्स ये जो है वो इसके लिए इस नॉइस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये कोडिंग करता है, क्योंकि जो हम ये ट्रांसमिटेड सिग्नल जब चैनल के थ्रू जाता है तो इसकी नॉइस या एरर उसमें ऐड हो जाती है, तो इससे हमारा सिग्नल चेंज हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसे हम अवॉइड कर सकें इसके लिए, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ एरर हो और अगर कुछ एरर ऐड भी हो जाती है तो उसे हम करेक्ट कर लें, इसके लिए चैनल एनकोडर क्या करता है एरर करेक्शन के लिए कोडिंग करता है। तो इसमें इसके लिए चैनल एनकोडर कुछ जो रिडंडेंट बिट्स हैं उन्हें ट्रांसमिटेड डाटा के साथ ऐड कर देता है, इन्हें हम एरर करेक्टिंग बिट्स कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो बाइनरी सीक्वेंस आ रही है सपोज 1010 आ रही है, तो इसके साथ ही कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देगा। रिडंडेंट बिट्स मीन्स जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिनको इनके साथ ट्रांसमिट करने से हमारे जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है इन रिडंडेंट बिट्स में। तो जैसे कि 1010 कुछ यहाँ से डाटा इसके इनपुट में है, तो इसके कुछ 110 तीन बिट्स इसके साथ ऐड कर देता है, तो इस टाइप से इसके आउटपुट में क्या डाटा जाएगा 110 1010। इस टाइप से ये एरर करेक्शन के लिए रिडंडेंट बिट्स को सिग्नल में ऐड कर देता है। अब ये जो डिजिटल सिग्नल आया ये किसके इनपुट में जाएगा, मॉड्यूलेटर के। मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो हमारा सिग्नल है उसे चैनल के साथ कंपेटिबल बनाने का काम करता है। मीन्स जैसे कि कुछ डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हमने पढ़ी थी जिसमें कि पीसीएम में जैसे कि जो डिजिटल सिग्नल आ रहा है इसे फिर हमने पल्सेस की फॉर्म में चेंज करके वायर चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन किया था, अगर हम फ्री स्पेस के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये जो डिजिटल सिग्नल आ रहा है इसे एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल या कैरियर सिग्नल के साथ प्रोसेस करवाता है। करस्पॉन्डिंगली इसके वेरिएशंस के साथ, इसके स्विचिंग के अकॉर्डिंग इसके पैरामीटर्स में वेरिएशन आता है, और जो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं एएसके पीएसके एफएसके इनके थ्रू इसे एनालॉग सिग्नल में चेंज करके वायरलेस ट्रांसमिशन करता है। मीन्स एंटीना के द्वारा इसे रिसीव किया जाता है और फिर फ्री स्पेस के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है। मीन्स ये वाला जो ट्रांसमिशन है वो वायरलेस चैनल के थ्रू होता है। तो इसमें फिर अब ये जो ट्रांसमिशन हो गया, अब रिसीवर साइड में चैनल जो है इस ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड डाटा को किसको देता है, रिसीवर। अगर वायरलेस ट्रांसमिशन हुआ है तो रिसीविंग एंटीना द्वारा रिसीव किया जाएगा और फिर सिग्नल को उसके ओरिजिनल फॉर्म में डिटेक्ट किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे इसके इसने किसमें किसको दिया, चैनल ने जो ट्रांसमिटेड डाटा है वो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक जो आ रहा है रिसीवर साइड में डीमोड्यूलेटर। मीन्स डीमोड्यूलेटर क्या करेगा, ट्रांसमिटर साइड में जो मॉड्यूलेटर के द्वारा सिग्नल को प्रोसेस करके भेजा गया था डीमोड्यूलेटर जस्ट उसका रिवर्स करता है। मीन्स ये जो इसके इनपुट में आ रहा है उससे ओरिजिनल सिग्नल को डिटेक्ट करता है। मीन्स मॉड्यूलेटर के इनपुट में क्या था, डिजिटल सिग्नल, तो ये यहाँ पे जो इनपुट में इसके सिग्नल आ रहा है उससे डिजिटल सिक्वेंस को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट ये इस आउटपुट को किस में देता है, फिर चैनल डिकोडर के इनपुट में। चैनल डिकोडर का यहाँ पे क्या काम होता है, चैनल डिकोडर यहाँ पे एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने का काम करता है। जो भी ये ट्रांसमिटेड डाटा जो है, ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वो चैनल के थ्रू जैसे ही ट्रांसमिट हुआ तो चैनल से उसमें कुछ नॉइस या एरर्स ऐड हो गई, तो इन एरर्स को ये चैनल एनकोडिंग में जो रिडंडेंट बिट्स ऐड की गई थी उनकी हेल्प से डिटेक्ट करता है और उन्हें करेक्ट करता है। तो इस टाइप से चैनल डिकोडर जो है वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर बेटर वे में रिकवर या फिर कंप्लीट रिकवरी के लिए हेल्प करता है। अब इसके द्वारा जो सिग्नल को करेक्ट किया गया इसके बाद इसका ये इसके सोर्स डिकोडर के इनपुट में देता है।
तो सोर्स डिकोडर क्या करता है, जस्ट रिवर्स ऑफ सोर्स एनकोडर, सोर्स एनकोडर का रिवर्स ऑपरेशन करता है। मींस इसके द्वारा जो डाटा कंप्रेशन किया गया था, तो ये क्या करेगा, उसको जो ये इसके इनपुट में जो आ रहा है उसको डिकम्प्रेस कर देगा। मतलब इसके द्वारा कंप्रेशन किया गया था तो ये क्या करेगा, डिकम्प्रेस करेगा और जो बाइनरी सीक्वेंस आ रही थी उसको फिर से सिंबल सीक्वेंस में चेंज कर देता है। उसके बाद ये देता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, इसे फिर से इसके ओरिजिनल फॉर्म एनालॉग में चेंज करते हैं। एनालॉग में चेंज होने के बाद सिग्नल्स को जैसे कि ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म में चेंज करना है, तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू उसको उसकी फिजिकल फॉर्म में चेंज किया जाता है और फिर ये जो मैसेज सिग्नल है वो हमारे डेस्टिनेशन यूजर तक उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पहुँच जाता है। तो इस टाइप से डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एफिशिएंट वे में मीन्स ट्रांसमिशन होता है। मतलब क्योंकि इसमें कोडिंग टेक्निक यूज़ की गई है ताकि जो मिनिम जो हमने मैसेज रिकवर करना है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एरर हो या फिर कोई पॉसिबिलिटी उसकी कंप्लीट रिकवरी हो, एरर की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, इसके लिए कोडिंग वगैरह की गई है। नेक्स्ट हम ये कुछ की पॉइंट जो अभी हमने ब्लॉक डायग्राम देखा है इसके बारे में, ये की पॉइंट्स जो भी हैं उन्हें एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है सोर्स एनकोडर, सोर्स एनकोडर ब्लॉक में हमने क्या देखा था, सोर्स एनकोडर रिप्रेजेंट द ट्रांसमिटेड डाटा मोर एफिशिएंटली एंड रिमूव रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। मीन्स सोर्स एनकोडर क्या करता है, जो ट्रांसमिटेड डाटा है उसे मोर एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करता है और जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करता है। मतलब जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या जीरो जो कि सिर्फ हमारी बैंडविड्थ को बढ़ाने का काम कर रही है, उन्हें ये कंप्रेस कर देता है। नेक्स्ट ब्लॉक क्या था, चैनल एनकोडर। चैनल एनकोडर इज यूज टू कंट्रोल द नॉइज, इट डज द कोडिंग फॉर एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, फॉर दिस इट एड सम रिडंडेंट बिट्स टू द ट्रांसमिटेड डाटा, दीज आर द एरर करेक्टिंग बिट्स। मीन्स ये कुछ रिडंडेंट बिट्स ट्रांसमिटेड डाटा के साथ ऐड करके जो हमारा सिस्टम है उसकी नॉइस इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इन बिट्स को ऐड करने से जो एरर है वो इजीली करेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट मॉड्यूलेटर ब्लॉक था जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द डाटा इन ए फॉर्म टू मेक इट कंपेटिबल विद द चैनल। मीन चैनल से हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इसके लिए उसे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल या ऐसी फॉर्म में चेंज कर देता है जो कि उसे चैनल के साथ कंपेटिबल बनाता है। मतलब अब वो हमारा जो भी सिग्नल है वो चैनल से लेस अफेक्ट होगा। नेक्स्ट रिसीवर साइड में फर्स्ट ब्लॉक क्या था, डीमोड्यूलेटर। डीमोड्यूलेटर क्या करेगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट चैनल डिकोडर, चैनल डिकोडर क्या करता है, चैनल डिकोडर डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स द एरर्स इन द सिग्नल गेंड फ्रॉम चैनल। मीन चैनल से जो एरर सिग्नल में आ गई है उन्हें जो चैनल एनकोडिंग में बिट्स ऐड की गई थी उसकी हेल्प से डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है। नेक्स्ट सोर्स डिकोडर, सोर्स डिकोडर क्या करता है, जस्ट रिवर्स ऑफ सोर्स एनकोडर। मीन्स ये जो डाटा है उसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में डिकम्प्रेस कर देगा। मीन्स ये जो बाइनरी सीक्वेंस आ रही थी उसे फिर से उसकी सिंबल सीक्वेंस में चेंज कर देता है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करता है, जस्ट रिवर्स ऑपरेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और मीन्स ये डिजिटल सिग्नल को उसके ओरिजिनल फॉर्म एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो ये डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन है वो मोर एक्यूरेट है कंपेरेटिव टू एनालॉग। तो वो किन कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह पा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस कंपेरिजन दोनों के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन एनालॉग कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज एनालॉग इन नेचर। मीन्स एनालॉग कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसकी नेचर क्या होती है, एनालॉग कंटिन्यूस। नेक्स्ट डिजिटल कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसकी नेचर कैसी होती है, डिजिटल। मीन्स इसमें डिजिटल पल्सेस की ट्रेन की फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। हमने डिस्कस भी किया था पहले कि जो डिजिटल सिग्नल है उसे लाइन कोडर की हेल्प से हम पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसमिट करके आगे ट्रांसमिट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज वेरिएशंस इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन और मैसेज। मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन में मैसेज सिग्नल जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है ट्रांसमिटेड सिग्नल में, कौन कौन से चेंजेस हैं जिनके द्वारा हम मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसमिटर सिग्नल के एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी या फिर फेज वेरिएशन से हमारा जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, डिजिटल कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड विड्थ और पोजिशन जो है वो ट्रांसमिटेड पल्स की कॉन्स्टेंट होती है। जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो कोड वर्ड्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। थर्ड पॉइंट है नॉइस इम्यूनिटी इज पुअर फॉर AM बट इम्प्रूव्ड फॉर FM एंड PM। मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन की जो नॉइस इम्यूनिटी है वो बहुत ही पुअर होती है, पर चूंकि एनालॉग कम्युनिकेशन में हम तीन टाइप के मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं, AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो इन तीनों में से अगर देखें तो AM की और भी ज़्यादा पुअर होती है कंपेरेटिव टू FM एंड PM, क्योंकि इसमें मैसेज किसकी फॉर्म में है, एम्पलीट्यूड की फॉर्म, एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस के साथ शो हो रहा है, और नॉइस से सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट होता है, एम्पलीट्यूड। तो इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी जो है इन दोनों के कंपेरेटिवली में ज़्यादा पुअर है। पर अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो उसकी इम्यूनिटी एक्सीलेंट होती है कंपेरेटिवली एनालॉग कम्युनिकेशन के। क्यों, अभी अभी हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम में कि नॉइस इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम इसमें कौन करता है, चैनल एनकोडर। इसमें कोडिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट आउट नॉइस एंड सिग्नल, देयरफॉर रिपीटर्स कैन नॉट बी यूज्ड। इसमें जो नॉइस है उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसमें रिपीटर्स भी यूज नहीं किए जाते, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में सिग्नल से नॉइस को सेपरेट करना पॉसिबल होता है, और इसीलिए इसमें रीजनरेटिव रिपीटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमने देखा था कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है डिजिटल पल्सेस की फॉर्म में, उसमें जैसे चैनल के साथ जब वो ट्रांसमिट होता है तो उसमें कुछ नॉइस ऐड हो जाती है, तो वो जो नॉइस है उससे हम रिप्रेजेंट उससे नॉइस से डिजिटल पल्स जो है उनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे ही वो रीजनरेटिव रिपीटर से पास होती है तो उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में डिटेक्ट कर लिया जाता है। फिर से अगर उसमें नॉइस ऐड हो रही है तो फिर से रीजनरेटिव रिपीटर से पास होती है, उसे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन एनालॉग कम्युनिकेशन, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में कोडिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिनकी हेल्प से एरर्स को हम डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज लोअर देन दैट ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड। मतलब ये एक एडवांटेज भी है और अगर ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, और एडवांटेज दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर बैंडविड्थ इसमें लो है तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो पावर की फॉर्म में पावर के केस में ये एडवांटेज इसका कह सकते हैं, पर बैंडविड्थ की फॉर्म में ये डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन के कंपेरेटिवली ये इसका एडवांटेज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपेरेटिव टू डिजिटल चैनल बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में ड्यू टू हायर बिट रेट्स हायर चैनल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। पर चूंकि हायर चैनल बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है तो पावर कंजम्पशन यहाँ पे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है FDM इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें जो मल्टीपल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स जो है उनको मल्टीपल एनालॉग सिग्नल्स को एक ही चैनल के थ्रू अगर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज की जाती है वो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो ईजियर होती है कंपेरेटिव टू FDM। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इन मिलिट्री एप्लीकेशंस। मीन्स एनालॉग कम्युनिकेशन में चूंकि कोडिंग टेक्निक्स में यूज़ नहीं की जाती, कोडिंग यूज़ नहीं की जाती, इसलिए इसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने में का ट्रांसमिशन इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है, जबकि इसमें कोडिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इसलिए ये मिलिट्री एप्लीकेशंस में ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल है डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, जबकि डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम हमने देखे हैं कौन कौन से हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन इस टाइप से। तो ये सब आज के लेक्चर के बारे में हमारा डिस्कशन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाय।